अच्छा गाना है बहुत ही, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि एम दुराज साहब ने लिखा है इसे और उन्होंने तो बड़े कमाल के गाने लिखे हैं, तो उनके गाने पे हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा गाना लिखा है और दानिश ने बहुत अच्छा गाया है, दिल को छू जाने वाला गाना है। हाँ, और हमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, हम भी हैं। हाँ, हम एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं ना। देखो वो मैं गाना ही 3 मिनट का है, मैं बोल ही दूंगा 4 मिनट पता ही चल जाएगा, उसके लिए तुम्हें गाना देखना चाहिए। एक्चुअली गाना देखना चाहिए, उनके लिए भी हम ये बोलना चाहेंगे कि प्लीज आप गाना देखें, बिकॉज़ इट्स अ वेरी टचिंग रोमांटिक लव स्टोरी। हाँ, उनके लिए मैं ये बोलूंगा, गाने का असली दिन आने वाला है 14 फरवरी सॉरी। अच्छा, हाँ, तब तक आपको पता चलेगा। मतलब गाना दर्द के बारे में है, एक मतलब प्यार के बारे में है, दो लोगों के मिलने और बिछड़ने के बारे में है, तो काफी बहुत ही रोमांटिक और सैड बोलूंगा, तो दोनों ही गाना है। कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे लिए वो बाद में आता है, बट आई थिंक सबसे पहले गाना सुन के अगर वो एक इंटरेस्टिंग गाना, धुन, लिरिक्स, एवरीथिंग, आई थिंक एक जब गाना प्रोडक्ट अच्छा होता है उसके बाद कॉन्सेप्ट तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो, जो बाद में होता है। कॉन्सेप्ट इज अ वेरी लेटेस्ट स्टेज ऑफ द सॉन्ग, बट आई थिंक गाना जब सुनते हैं वो अगर दिल को छूता है, व्हेन आई नो कि मुझे गाना करना है। जब ये गाना हम लोगों के पास आया तो तुरा साहब का कनेक्शन इस गाने के साथ बड़ा तगड़ा था, और उन्होंने कहा था कि मुझे मॉडल्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस गाने के लिए, आई नीड एक्टर्स एंड दे टू गुड एक्टर्स। तो विशाल भैया वॉज इन माई माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सृष्टि मेरी बचपन की क्रश है। अरे रे रे रे, ये मुझे अभी पता चला, पूरा गाना निकल गया इस बंदे ने, बात दबा के रखी हुई थी अब तक। तो अब दिस आई वॉज फॉर्चून इनफ के भाई मेरे प्रोजेक्ट में, हम लोगों के प्रोजेक्ट में वी गॉट दिस चांस कि वी आर नॉट फ्रेंड्स, आई वुड कॉल कि ये मेरे बड़े भैया हैं, वो कनेक्शन बना है हमारा, करण भैया हमारा, वी आर लाइक ब्रदर्स नाउ। और आगे बढ़े, अच्छा स्क्रिप्ट मिला, गाने को प्यारे तरीके से बनाया, सृष्टि वॉज लुकिंग सो फैबुलस, विशाल भैया आप देख ही रहे हैं, तो गाना बहुत पसंद आएगा लोगों को और इंशाल्लाह सुपर हिट। इट्स बीन अमेजिंग बिकॉज पोस्टर्स बहुत प्रॉमिसिंग है एंड मैंने भी अभी तक गाना देखा नहीं है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ, तो आई थिंक वेरी हैप्पी फॉर देम एंड आई होप दैट दे ग्रो मोर एंड मोर इन फ्यूचर। ऑब्वियसली हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है, हम वीडियो ही देखने आए हैं यहाँ पे, एंड सृष्टि और विशाल है वो दोनों हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस म्यूजिक वीडियो पे, तो हम एज गुड फ्रेंड्स उन्हें यहाँ सपोर्ट करने आए। और मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि तभी आप हमें यहाँ देख रहे हो। Yes, we are, of course, and she's very close to us, so that's yes. why we are here to support her. See, first of all, Srishti is looking very beautiful. That is That's true. The best thing for the video. But anyways, the video is really nice, very well shot, very well sung. We love the voice. And of course, the beautiful couple. Yeah, the chemistry is going to be great. Dono bahut achhe performers hain. Actors bahut achhe hain. I was about to say that. Yeah, so. So much right to say that. See, achanak se to nahi, hame to pata tha. But I'm very happy for her because... जो उसने किया है और जिस तरह से शी स्टूड बाय दैट पर्सन शी लव्ड, वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है, एंड ऐसे ही लोग हैं जो आपको प्यार पे विश्वास दिलाते हैं। शी इज़ अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड आई लव हर एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस। गाना गा रहा हूँ, ये इतने बड़े मतलब हमारी खुशनसीबी है कि इतने बड़े इनके इतने बड़े बड़े गाने हैं, ये लेजेंड ही है, ये लिविंग लेजेंड है, इनके गाने नहीं नहीं हैं, आप लेजेंड है, इनके गाने हमें गाने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड करण भाई ने इतना प्यारा इसका वीडियो बनाया है, एंड स्पेशली हमारे कंपोज़र बहुत ही कमाल की धुन जो बनाई है, मतलब मज़ा ही आ गया यार। समान अयान बहुत ही मतलब ग्रेट कंपोज़र होने वाले हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। First of all, I just wanted to congratulations to all the teams and Karan bhai and Ashu bhai. And yes, ये जो label है Rising, इसका पहला गाना भी मैंने किया था, and it's not like कि गाना, we are family and दूसरा गाना भी करेंगे ज़रूर, दूसरा भी करेगा। तो बहुत yes, ये announcement है कि दूसरा गाना भी मैं जल्दी करूँगा, yeah. So yes, I'm very happy and it's like a family and always support. मैं हूँ यहाँ पे support करने के लिए। Sure, sir. Sure. Yes. हम भी आपके साथ ही। Thank you so much. यार गाने के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत से लिखा है, इन लोगों ने मेहनत से प्रोड्यूस किया है, इन्होंने डायरेक्ट किया है, और कंपोज़र ने अच्छा कंपोज किया है, और सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है, तो
यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। लिरिक्स यार थोड़ा सा जो है वो पैथोस है, और उसमें जो कहानी है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा पैथोस है जो, और पैथोस जो है वो हमेशा चलता है, और चूंकि उससे हर आदमी जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, तो वैसा ही गाना है तो लोगों को पसंद आएगा ऐसा लग रहा है। बेशक लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। एक मिडिल क्लास कहानी है, एक मिडिल क्लास लड़का और लड़की की कहानी है कि जब लाइफ में आप किसी को खो देते हो, व्हेन यू लूज समबडी इन योर लाइफ, और वो इंसान जब सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान होता है तो एक कितना बड़ा लॉस वो लाइफ में देखता है। और करण भाई हैं, करण भाई ने जो प्रोजेक्शन शुरू से किया है, पहले दिन से किया है, उनका मानना यही है कि जो मज़ा 90s के म्यूज़िक में था, जो 2000 के म्यूज़िक में था, उसको एक रेवोल्यूशन की तरह हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और राइजिंग इंडी म्यूज़िक इसी तरह के गाने, इसी तरह का संगीत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहे। प्लीज प्लीज डू वॉच आवर सॉन्ग एंड लाइक एंड शेयर एंड गाना देखो। यस प्लीज, हाँ मतलब अच्छा गाना है, और प्लीज थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस गाने में अपना, और अप्रिशिएट कीजिए। या प्लीज अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।